हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फोरियर लॉ के बारे में बात करेंगे। इसे हम फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। इसकी एक जनरल इक्वेशन होती है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस डीटी। इसका मतलब ये है, जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतने क्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यू की क्या है इसमें, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, किस रेट से हीट ट्रांसफ़र हो रही है मटेरियल से, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, इसमें से कितने समय में कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो हमें क्यू बताता है। ये बेसिकली होता है क्यू पर सेकेंड, ठीक है। कितने समय में कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है बॉडी से, इसलिए इसे बोला जाता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर डिफरेंस के, डीटी। मान लीजिए इस बॉडी का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। 40 माइनस 20 कितना टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस का। जितना ये टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा, ठीक है। ये बताता है फोरियर लॉ। और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है। मान लीजिए हीट इस डायरेक्शन से फ्लो कर रही है, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन से फ्लो कर रही है तो ये होगा परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर एरिया होगा। और जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर एरिया होगा उतनी Q की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि फिर ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगा इस बॉडी से, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन से हीट फ्लो होती होती तो ये होता है परपेंडिकुलर सरफेस, ठीक है, ये वाला होता परपेंडिकुलर सरफेस। और जितना ये परपेंडिकुलर सरफेस ज़्यादा होता उतनी रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होती, ठीक है। और क्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी थिकनेस डी एक्स है इसमें थिकनेस। आप ये बॉडी देख रहे हैं, इसकी ये है इसका परपेंडिकुलर सरफेस, अगर इस डायरेक्शन से हीट फ्लो हो रही है, ठीक है, और इस मटेरियल की थिकनेस है dx, ठीक है। जितनी कम थिकनेस होगी उतना q की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है। कम dx की वैल्यू, अगर कम थिकनेस होगी बॉडी की तो q की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह अगर थिकनेस किसी मटेरियल की ज़्यादा होगी तो हीट ट्रांसफ़र यानी कि q की वैल्यू कम होगी, ये बताता है फोरियर लॉ। अगर हम तीनों क्वेश्चन को एक साथ लिखें तो बनेगा Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ए भी जहाँ से लिखा, डी टी भी जहाँ से लिखा, डी एक्स भी जहाँ से लिखा। जब हम इस साइन को रिमूव करेंगे तो हमें कॉन्स्टेंट मिलेगा, उसको बोलते हैं डिनोट किया जाता है K से, और इस K को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली बताता है अगर किसी मटीरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है उससे जितनी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से आ रही है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इससे पास होगी, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बोले, मान लीजिए यहाँ से 20% हीट आ रही है, ठीक है। अगर किसी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी मैक्सिमम है तो 2-3% जो हीट है वो ये मटेरियल आप जो इसकी बॉडी है उससे पास नहीं होने देगा, ठीक है, और 70% हीट हमें दूसरी साइड मिलेगी। अगर इस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि के की वैल्यू अच्छी है, ठीक है, अगर के की वैल्यू लो है मटेरियल की तो यहाँ से मान लीजिए 20% हीट आ रही है तो हमें 10% दूसरी साइड हमें हीट मिलेगी, ठीक है, ये होता है थर्मल कंडक्टिविटी। माइनस साइन हमें बताता है जो हीट है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, ठीक है, ये हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मल डायनामिक भी बताता है, ठीक है। माइनस साइन का एक और मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए इस साइड है टेम्परेचर 40 और इसकी ऑपोजिट साइड पर टेम्परेचर है 20, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 20, इनिशियल कितना है 40, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 20। इस न्यूमेरिक माइनस वैल्यू को रिमूव करने के लिए हमने माइनस साइन को इंसर्ट किया, ठीक है। ये था फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। थैंक यू।